गठबंधन की सरकार है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अभी तक जितने इलेक्शन लड़े हैं सब जीते हैं और इंशाल्लाह ये वाला भी जीतेगा। मेरे अल्लाह का कि 10 साल के बाद दिल्ली वालों को ये याद आया कि भाई जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर के लोग। जो छीना गया वो तो दे दो, हम और कुछ नहीं मांगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्वक समाप्त हुए हैं। 24 सीटों पर होने वाले ये चुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुए और रात 6 बजे तक जारी रहे। इन चुनावों में 219 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन बड़े नामों में इल्तिजा मुफ्ती, वहीद परा, गुलाम अहमद मीर, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, शगुन परिहार, सुनील शर्मा, सकीना यत्तू इत्यादि हैं। इन चुनावों में एक खास दिलचस्प बात ये भी है कि डिलिमिटेशन के बाद ये जम्मू कश्मीर का पहला असेंबली चुनाव है। दूसरी खास बात ये भी है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भी ये पहला असेंबली चुनाव है और साथ ही एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर भी ये जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव है। 24 विधानसभा सीट्स पे चुनाव जहां हुए वहां अनंतनाग में 7 सीटों पर, पुलवामा में 4, शोपियां में 2 और कुलगाम में 3। जम्मू रीजन में डोडा में 2, रामबन में 2 और किश्तवाड़ में 3 असेंबली सेगमेंट्स में आज चुनाव हुए। इन चुनावों में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट टर्नआउट इंद्रवाल में जम्मू रीजन में 80% जहां वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम जो कि श्रीनगर घाटी में है वहां 67.86% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। पूरे इन 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टोटल वोटरों की तादाद 23,27,000 है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनेगी और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन की सरकार है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन चाहती है, चैन चाहती है, सुख चैन चाहती है और यहाँ के विकास की रणनीति को अपनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जीत जो है वो निश्चित है। आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी हद तक आतंकवाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने की बातें की, समाज को बांटने की बातें की है और आगे जो है इनका पत्ता साफ होने वाला है और आतंकवाद भी ये दिए की तरह है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो। विधानसभा का ये तीसरा इलेक्शन है मेरा और इससे पहले मैं इसी एरिया का काउंसलर और चेयरमैन था, तो अभी तक जितने इलेक्शन लड़े हैं सब जीते हैं और इंशाल्लाह ये वाला भी जीत रहा हूँ। रहा सवाल 10 साल के बाद, वो तो बीजेपी की सबसे बड़ी खराबी है, उन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम छीन लिया था और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन यहां कर दी थी। 24 विधानसभा सीट्स पर आज जो मतदान हुआ उसकी भी वोटर परसेंटेज 58.19 थी। अगले चरण का चुनाव जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को होगा जिसमें 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली।